नमस्कार, मैं हूं गणेश ठाकुर। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन साल 2022 तक पूरा हो पाएगा? क्या महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार बुलेट ट्रेन बनाने में मदद करेगी या इस बुलेट ट्रेन में रोड़े अटकाएगी? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में ये कहा है कि बुलेट ट्रेन उनका ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, ये किसी और का ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है। इस प्रोजेक्ट की हम पूरी तरह से समीक्षा करेंगे और अगर ये प्रोजेक्ट राज्य सरकार के लिए, राज्य के लिए फायदेमंद होगा तो ही इस पर मदद होगी या इस पर अमल किया जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने इस इंटरव्यू में साफ संकेत दिए हैं कि बुलेट ट्रेन बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को मदद नहीं मिलेगी। उद्धव ठाकरे ने अपने इस इंटरव्यू में कहा कि क्या वाकई में बुलेट ट्रेन राज्य की जरूरत है या नहीं, इसे हमें समझना होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ठाकरे सरकार ने, पिछले सरकार ने शुरू किए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उसको स्थगित नहीं किया क्योंकि सरकार को लगता है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स राज्य के हित के हैं। लेकिन राज्य की आज की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए हमें ये समझना होगा, इस पर विचार करना होगा कि क्या वाकई में बुलेट ट्रेन राज्य के लिए ज़रूरी है या नहीं। केवल कोई देश या कोई कंपनी कम ब्याज दर में लोन दे रहा है इसीलिए वो लोन लेकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लाएं, इसमें समझदारी नहीं है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को लेकर एक मीटिंग बुलाई जाए, उसमें इस प्रोजेक्ट की उपयुक्तता, इसकी ज़रूरत उन्हें समझा दे तो वो भी मान जाएंगे। केवल ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है इसलिए उसे अमल में लाना समझदारी नहीं होगी। उद्धव ठाकरे ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि उनकी प्राथमिकता राज्य का किसान, राज्य की जनता है। जो उनके हित के काम होंगे उनमें वो पैसे लगाएंगे, वो काम करेंगे। ऐसे में बुलेट ट्रेन जनता के हित का है या नहीं, इसकी समीक्षा करना बेहद ज़रूरी है। उद्धव ठाकरे ने पिछली बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना ये है कि पिछली देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जनता और राज्य के प्रोग्रेस मैप पर विचार नहीं किया, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन पर ध्यान दिया। बुलेट ट्रेन की जगह पर अगर जनता और राज्य के प्रोग्रेस मैप, रोड मैप बनाकर उस पर काम किया होता तो आज राज्य और प्रगतिशील होता। उद्धव ठाकरे बुलेट ट्रेन का एक तरह से विरोध करते हुए राज्य की आर्थिक परिस्थिति का हवाला दे रहे हैं। राज्य पर अभी फिलहाल 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है और जो मौजूदा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें और 2 लाख करोड़ कर्ज लिया जाना है। तो ऐसे में 6 लाख करोड़ का कर्ज जिस राज्य पे है उस पर और अतिरिक्त कर्ज बुलेट ट्रेन के लिए लेना क्या वाकई में वाजिब है या नहीं, ऐसा सवाल उद्धव ठाकरे ने उपस्थित किया है। इसी आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ही बुलेट ट्रेन का रिव्यू किया, यानी बुलेट ट्रेन क्या वाकई में महाराष्ट्र सरकार और राज्य को चाहिए या नहीं, इसकी समीक्षा की जाए। इसके लिए एक समिति भी बनाई गई है। समिति अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के बाद उद्धव ठाकरे अपना अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन आज की इस मुलाकात में या इस इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार बुलेट ट्रेन बनाने के पक्ष में नहीं है। अब अगर राज्य की ठाकरे सरकार केंद्र सरकार को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद नहीं करती है तो क्या इसका असर इस प्रोजेक्ट पर पड़ेगा? इस सवाल का जवाब है हाँ। केंद्र सरकार को राज्य सरकार से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में दो तरह से मदद चाहिए, एक है फंड्स और दूसरा है जमीन अधिग्रहण। अब 1,07,000 करोड़ का ये जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है इसमें ज़्यादातर फंडिंग केंद्र सरकार से आनी है। इसमें 5,000 करोड़ लगभग महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को दिया जाना है। ये 5,000 करोड़ अगर केंद्र सरकार को राज्य सरकार नहीं देती है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि केंद्र सरकार खुद ही ये पैसे भी फंड कर लेगी। लेकिन केंद्र सरकार को दिक्कत आएगी ज़मीन अधिग्रहण में, क्योंकि महाराष्ट्र में जो ज़मीन केंद्र सरकार को इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करनी है वो अगर अधिग्रहण करने में राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद नहीं करती है तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट फंस सकता है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने जारी किए आंकड़े ये बताते हैं कि अब तक सिर्फ आधी जमीन का ही अधिग्रहण हो पाया है।
महाराष्ट्र से 431 हेक्टर जमीन का अधिग्रहण होना था, लेकिन सिर्फ 81 हेक्टर जमीन का ही अधिग्रहण हो पाया है। वहीं गुजरात से भी 940 हेक्टर जमीन का अधिग्रहण होना था, लेकिन 617 हेक्टर जमीन अधिग्रहित हो पाई है। दादरा और नगर हवेली से 8.7 हेक्टर जमीन का अधिग्रहण होना था, लेकिन 6.9 हेक्टर जमीन का ही अधिग्रहण हो पाया है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 1380 हेक्टर जमीन लगनी है, लेकिन अब तक केवल 705 हेक्टर जमीन ही अधिग्रहित हो पाई है। तो महाराष्ट्र के 431 हेक्टर जमीन जो बुलेट ट्रेन के लिए जिसका अधिग्रहण होना है, उसमें से केवल 81 यानी सिर्फ 20% जमीन अधिग्रहित हो पाई है। ऐसे में केंद्र सरकार को राज्य सरकार की लैंड एक्विजिशन में मदद लेनी होगी, और अगर राज्य सरकार नहीं करती है तो केंद्र सरकार के लिए दिक्कत जरूर आएगी और ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं फंस भी सकता है। वहीं इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र के पालघर, खासतौर पे पालघर, इस जगह पर एक तरह से लोगों का विरोध है। वो अपनी ज़मीन इस प्रोजेक्ट के लिए देना नहीं चाहते हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मदद नहीं मिलती है और लोगों का इस तरह का विरोध आगे भी जारी रहता है, तो बुलेट ट्रेन ये प्रोजेक्ट 2022 तक पूरा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन ये रफ्तार का प्रतीक है। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन महज 3 घंटों में मुंबई से अहमदाबाद की दूरी जो 508 किलोमीटर की है वो तय करेगी। लेकिन अगर इसी तरह इस प्रोजेक्ट को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच संघर्ष चलता रहा, मतभेद होते रहे, और अगर राज्य की ठाकरे सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लाल झंडा दिखा दिया, तो ऐसे में 2022 तक नरेंद्र मोदी का सपना साकार नहीं होगा, ऐसा अब लगने लगा है। ABP News आपको रखे आगे।